साथ में माइनक्राफ्ट का लॉजिक को रोस्ट करने वाला हूँ। सो को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलिए बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट लॉजिक पे। सो आप देख सकते हैं, अगर मैं एनविल को रखूँ और इनमें से कौन सा भारी, ऑफकोर्स एनविल, क्योंकि वह बहुत भारी होता है और मैंने इसको टूट दिया। अभी मैं अगर मैं डीप लीव लगाऊँ, अगर आपको नहीं पता होगा यहाँ पर रखने से गिर जाता है। अभी एनविल तो नहीं हुआ, एनविल तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फेदर डालूँ तो आप देखिए। वाह मोदी जी वाह, क्या मतलब, क्या लॉजिक ही नहीं है कुछ माइनक्राफ्ट में। लॉजिक नंबर टू, अगर मैं हजारों एनविल को यहाँ पर सीट पे दो, सीट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सीट पे कूदूँ सीट टूट जाएगा। मतलब ये स्टीव असली पे बेडरॉक है। अगर मैं लेकिन अगर मैं उसके अंदर रहूँ वो नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं फर्नेस पे जाऊँ, फर्नेस पे जाने के बाद अगर मैं इंसेंट डेब्रिस को लावा के साथ स्मेल्ट करूँ तो स्मेल्ट हो जाएगा। वाह क्या लॉजिक है, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है माइनक्राफ्ट पे। सो चलिए हमारा नेक्स्ट लॉजिक पे बढ़ते हैं। पहले एक विलेजर को सुला देते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सो जाना, सो जा, लो सो जा, निन्नी आया क्या रात को, निन्नी कर दे, निन्नी सो जा। अरे गाइस अलग विलेजर को सुला दिया। अभी अगर मैं इसके ऊपर लावा दूँ तो इसको कुछ भी नहीं हो रहा। एक सेकंड मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, पहले सब कुछ को कवर करके दिखा देता हूँ अच्छे से। एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा रुको, मतलब ये इसको कुछ भी नहीं होगा। सोने के वक्त ये शक्तिमान बन जाता है, ये लावा प्रूफ बन जाता है। वाह एक से मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लास लेकर दिखा देता हूँ। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, हाँ यहाँ पर मैंने ग्लास लगाया और यहाँ पर मैंने खोल के, हाँ अब देख सकते हैं इसको कुछ भी नहीं हो रहा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लावा इसके बॉडी के ऊपर है और ये कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैं आपको दूसरा लॉजिक दिखाता हूँ, अगर मैं कैंडल्स कैसे रख दूँ। हाँ फिर साइड पर मैं ग्लास कर लेता हूँ, ग्लास लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ग्लास लगाता हूँ और फिर आप देखना क्या होता क्या है। अभी मैं ग्लास लगा रहा, अभी मैं इसके ऊपर लावा रुक के कैंडल जल जाएगा। ऑफ कोर्स लेकिन माइनक्राफ्ट का लॉजिक तो कुछ होता है नहीं, ये जलता है नहीं, ये लावा इसके ऊपर है, गिर भी नहीं सकता और ये हवा पे एक जगह पे खड़ा हुआ है। क्या है ये, क्या दिखना पड़ रहा है माइनक्राफ्ट पर। और अभी अगर मैं गाइस एक लावा बकेट को लावा पे फेंकूँ तो वो जल जाएगा, लेकिन अगर मैं लावा बकेट को अपना हाथ पे रखूँ, ये बकेट तो आयरन का बना तो ये जल क्यों नहीं रहा बकेट, ये मेरा क्वेश्चन है। वाई माइनक्राफ्ट वाई। हमारा नेक्स्ट लॉजिक है कि अगर हम आपको पता है कैसे कोबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं, ऐसे करके और मैं पूरी खर्चा से पानी करके बना सकते हैं कोबलस्टोन जनरेटर, तो मैं इसको तुरंत ही कोबलस्टोन बनाएगा और अभी ये अनलिमिटेड कोबलस्टोन बन गया। वाह लॉजिक है माइनक्राफ्ट। अरे कुछ तो शर्म कर लो माइनक्राफ्ट वालों, कुछ तो शर्म करो भाई, क्या लॉजिक है माइनक्राफ्ट का। सो गाइस हमारा नेक्स्ट लॉजिक है कि लॉजिक नहीं है, मेरा क्वेश्चन है, क्राइंग ऑब्सीडियन होता क्यों है। मुझे पता है बहुत पक्का लॉजिक था। और अभी अगर मैं फ्लावर के ऊपर एनवेल फेंकूँ, फ्लावर कुछ भी नहीं होगा। ये सब्सक्राइब